हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब सेफ होंगे जहाँ भी होंगे। आज का जो वीडियो है वही डिवीजन वर्कशीट में जो मैंने पिछले वर्कशीट में डाला था उसका पार्ट टू है। सो लेट्स स्टार्ट। राइट डिवीजन फैक्ट्स। डिवीजन फैक्ट्स मीन्स जैसे यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 3 रोज है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम्स है। सो यहाँ पे हमें डिवाइड करके डिवीजन फैक्ट्स लिखना है। सो 3 रोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सो 18 सर्कल्स है, डिवाइड बाई कितने रोज है। सपोज 3 रोज है, 3 इज इक्वल टू कितने कॉलम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो ये हो गया हमारा डिवीजन फैक्ट। और सेकेंड वे में हम लिख सकते हैं वैसे सेम 18 सर्कल से डिवाइड बाय 6 कॉलम्स इज इक्वल टू 3 रोज। ऐसे हम डिवीजन फैक्ट काउंट करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल और एक मैं दिखा रही हूँ, लाइक यहाँ पे ट्राइंगल्स ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 ट्राइंगल्स है, डिवाइड बाय कितने रोज है, 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम्स है, इज इक्वल टू आंसर होगा 3। जैसे हम देख सकते 3 रोज है, उसका रिवर्स 12 डिवाइड बाई 3 रोज इज इक्वल टू 4 कॉलम्स। मतलब ऐसे रो कॉलम काउंट करके हम डिवीजन फैक्ट लिख सकते हैं कितने डिवीजन फैक्ट से। सो ऐसे हम बच्चों को दे सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। देन यहाँ पे है यूज मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस टू राइट डिवीजन फैक्ट्स। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस है 7 मल्टीप्लाई विथ 9 इज इक्वल टू 63। तो डिवीजन फैक्ट क्या होगा, जो आंसर है 63 डिवाइड बाई एनी नंबर। 7 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर इज माई आंसर। देखिए 9 into 7 are 63। सो 63 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 9। वैसे ही 63 डिवाइड बाई यहाँ पे सेकेंड आंसर 9 इज इक्वल टू 7। सो ऐसे हम डिवीजन फैक्ट्स मल्टीप्लीकेशन यूज करके डिवीजन फैक्ट लिखने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। तो दोनों में स्ट्रांग होगा बच्चे, मल्टीप्लीकेशन में भी और डिवीजन में भी। तो ऐसे आप कुछ क्वेश्चंस कोई भी नंबर लेके दे सकते हैं बच्चों को। पहले इजी नंबर दीजिए, उसके बाद आप डिफिकल्ट नंबर, बड़े बड़े नंबर दे सकते हैं। देन नेक्स्ट जो वर्कशीट है, यूज द नंबर्स टू बिल्ड ऑल द डिवीजन फैक्ट्स। मीन्स 7 है, 5 है, 35 है, इसको यूज करके हमने जितने भी डिवीजन फैक्ट होगा उसको हमें बिल्ड करना है। सो हमें पता है 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 35। सो 35 डिवाइड बाई फर्स्ट 7 इज इक्वल टू 5। 35 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 7। ये हो गया 2 डिवीजन फैक्ट्स। ऐसे ही मैंने बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, आंसर्स यहाँ पे लिखा है। ये दोनों जो मल्टीप्लीकेशन करके ये जो आंसर आ रहा है उसको लेके हम यहाँ पे डिवीजन फैक्ट्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज नंबर लाइन टू डिवाइड। सो हमने डिवीजन के लिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज किया था, सिंपल डिवीजन भी किया था, इक्वली शेयरिंग करके भी, इक्वली पुट करके भी हमने डिवीजन किया था। अभी हम नंबर लाइन यूज करके डिवाइड करेंगे। सो 15 डिवाइड बाई 3। सो स्टार्ट फ्रॉम 15, माइन 3 हमें बैकवर्ड जाना है। तो 1, 2, 3 ये हो गया 1 times। देन 12 से फिर 3 times बैकवर्ड जाना है, 1, 2, 3। देन 1, 2, 3 सके 6 के हो गया, फिर 1, 2, 3, फिर 3 तक आ गया, देन 1, 2, 3 तो देन 0 तक आ गया। तो हमने कितने टाइम्स बैकवर्ड गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो 15 minus 3 is equal to 5 times मीन्स 5। तो ऐसे हम रिपीटेड नंबर लाइन यूज करके डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये है मेरा थर्ड वर्कशीट, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और यहाँ पे हमें हाफ लिखना है, यहाँ पे हमें डबल लिखना है। सो जैसे 4, सो 4 हाफ ऑफ 4 मीन्स 4 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या होगा 2। देन डबल मीन्स 4 मल्टीप्लाई विथ 4, आंसर है 16। लाइक 8, सो 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 यहाँ पे लिखना है, या 8 यहाँ पे डबल करने तो 8 मल्टीप्लाई विथ 8 इज इक्वल टू 64। तो ऐसे हाफ यहाँ पे डबल लिखना है। तो बच्चे मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे और डिविजन भी करेंगे और मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने सिंपल डिवीजन दिया है। सो हमें कैसे करना है, जैसे 2 2s are 4। सो यहाँ पे हमें लिखेंगे 4, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 2 2s are। आप कैसे ऐसे वे में भी दे सकते हैं, 48 डिवाइड बाई
टू, मैं इसे पुराने जो हम जब बचपन में पढ़ते थे उस वे में मैंने दिया है, टू टू जार फोर, फोर माइनस फोर जीरो, देन एट विल कम हियर, टू फोर जार एट, सो एट माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, तो आंसर क्या होगा 24। तो ऐसे आप सिखा सकते हैं, जो भी आप सिंबल लेके सिखा सकते हैं, मैं पुराने वे में मैंने दिया है। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।